बीती रात टीबी के मरीज राजकुमार की हुई मौत के बाद उनकी कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जिसके बाद प्रशासन द्वारा उनके परिजनों से संपर्क कर शव देने की बात भी कही गई। इस संबंधी हमारी बात जिला शिकायत निवारण कमेटी के सदस्य रविंद्र हंस से हुई। इस बाबत जब हमने रविंद्र हंस जी से बात की तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। नमस्कार, मैं पब्लिक दिलासा चैनल से दिशा सेठी बात कर रही हूँ। क्या मेरी बात रविंद्र हंस जी से हो रही है? हाँ जी प्रीति जी, रविंद्र हंस जी बोल रहा हूँ मैं। हाँ जी सर, हंस जी हमें बताइए, जो कल रात राजकुमार नामक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, जिन्हें टीबी की शिकायत थी और प्रशासन उनके परिजनों को शव नहीं दे रहा था, उनकी कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट आनी बाकी थी, इस बारे में आपको क्या जानकारी मिली है? ऐसे प्रीति जी, जब मैं आपके स्टूडियो में लगभग 4 बजे के नजदीक आया था, तो वहां पर हमने उसके बाद जब मेरी बातचीत हुई राजेश रोडा जी से, और वो उसमें चला भी, उन्होंने चलाया भी, उसके आने के बाद जब मैं परिवार जनों से मेरी बात हुई, उनके परिवार में है उस लड़की का जीजा लगता है सनी गिल, तो उसने बल्कि मेरे को बताया कि जब ये आपकी न्यूज चली तो, और आपने मेरे बात भी की होगी, तो उसके बाद जो परिवार जनों को शव नहीं मिल रहा था, तो अब सनी गिल जो उसका लड़के का जीजा है, उसका उसने बताया कि रजिंदर जो लड़के का भाई है, उसने उसको हॉस्पिटल से पूरा है कि आपका जो भाई था राजकुमार वो नेगेटिव आया है, तो उसने उन्होंने बोला कि अब उसका शव आपको मिल जाएगा जी। तो अब प्रभाज उन्होंने बोला है कि हम शव जरा सुबह लेंगे जी। जी आपके आपके पब्लिक दिलासा जी का आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आपने ये न्यूज चलाई, तो इसीलिए ये रात का जो मामला था, अभी तक वो परिवार जनों को इंसाफ नहीं मिल रहा था, न्याय नहीं मिल रहा था, उनको शव नहीं मिल रहा था, उनको ऐसे हरासमेंट किया जा रहा था, तो आपके चैनल पर ये खबर चली है, इससे परिवार जनों को शव मिला है, मैं परिवार की तरफ से भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जी हम भी आपका बहुत शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद जी। आपका धन्यवाद जी, अगर आप इन लोगों की, गरीब लोगों की आवाज बुलंद करते हो, तो तभी तो लोगों को इंसाफ मिल रहा है ना जी। बिल्कुल बिल्कुल, हम चाहते हैं लोग ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें, और उन्हें कोई भी तकलीफ हो तो ये चैनल लोगों के लिए ही है, अमृतसर के लोगों के लिए खास तौर पर, और कोई भी परेशानी हो हम हमेशा उनके लिए खड़े हैं। धन्यवाद। थैंक यू। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपसे आपका ये चैनल दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे, ताकि हमारे देश के लोगों को आवाज बुलंद हो सके और उनको इंसाफ मिल सके। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद, नमस्कार।